cut which is happening in Pipli of Kurukshetra. In the latest, given to understand that several wrestlers, including the likes of Bajrang Punia and Vinesh Fogat, have joined the Mahapanchayat, which is taking place in Haryana, the visuals are on your screens, which are also coming in of that Mahapanchayat that is being held. Yogeshwar Dutt, who's also part of this Mahapanchayat of the farmers, which is happening. The entire protest, which seems to be deviated now. And this, as the wrestlers have now waded into this Mahapanchayat of the farmers, which is happening. Remember, this Mahapanchayat is taking place to highlight issues relating to MSP and power utility that is being raked by the farmers. Listen in to that exclusive conversation we had with one of the wrestlers, Yogeshwar Dutt, on the Mahapanchayat, which is being held of the farmers. योगेश्वर जी, आपका मैं ये जानना चाहती थी सर, जब पहलवान शुरू में जब अपने धरने पर बैठे थे, तब किसानों ने, खाप पंचायतों ने उनको सबसे ज़्यादा समर्थन दिया था, लगातार महापंचायतें भी हुई, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि जो रेसलर हैं, जो पहलवान हैं, ये किसानों की डिमांड को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, एमएसपी को लेकर के, पावर को लेकर के, किसानों की मांगों को लेकर के। तो ये कैसा, क्या कोई गिव एंड टेक सिस्टम है कि किसानों ने मदद की तो अब रेसलर भी उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं? देखिए, ये मुद्दे से भटक चुके हैं पहलवान, और इनका जो लड़ाई थी उस लड़ाई से भटक चुके हैं। मतलब ये कि भाई किस चीज को लेके पहली बार ये बैठे थे जंतर मंतर पे, उसके बाद फिर इनकी सरकार से बात हुई, फिर कमेटी बनी, उसके बाद फिर ये एकदम से जंतर मंतर पे बैठे, और इनको पूरा हाईजैक कर लिया था विपक्षी पार्टियों ने जो। और ये ब्रजभूषण कुश्ती की लड़ाई ना हो गई, एक और लड़ाई का रूप लिया। और जहां भी कोई भी ऐसा मूवमेंट होता तो इनको लोग बुलाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर मैं आपकी कहीं मदद के लिए आऊंगा तो मैं आपको बुलाऊंगा। तो यहाँ पे दिक्कतें ये हुई हैं। और फिर जो बातें सुनने में है कि भाई खाप पंचायतें हैं, जो किसान संगठन है, ये सरकार से मिले खिलाड़ियों को पता नहीं लगा, जो भी मेरे को पता है पक्का नहीं, सच है झूठ है, पर ऐसी बातें भी उठी हैं। तो शायद अभी उस चीज को दूर करने के लिए जाते हो कि भाई हम किसानों का आंदोलन वहां जाए, कोई और है तो वहां जाए। बिल्कुल योगेश्वर जी, यही आपसे जानना चाह रही थी। शुरू में क्या था, जब महापंचायतें बैठी थी तब पहलवानों की मांग को लेकर के बैठी थी कि जो पहलवान मांग कर रहे हैं उस मांग को सरकार माने, लेकिन अब जो महापंचायतें हो रही हैं, बजरंग पुनिया का हमने ट्वीट देखा, विनेश फोगाट का हमने ट्वीट देखा, अब साक्षी मलिक हैं, ये सब महापंचायतों में वहाँ वहाँ जा रही हैं जहाँ पे किसान अपनी मांगों को लेकर के धरना कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब पूरी तरीके से कोई दूसरी दिशा में चला गया है ये पूरा आंदोलन? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये दूसरी दिशा में चला गया है। और देखिए, खा पंचायतों का काम होता है कि भाई कोई बीच का रास्ता निकले किसी भी चीज में। तो पहलवानों के साथ वो आए थे कि भाई कोई रास्ता निकले, पहलवान हमारे देश के किसान है तो इनके लिए कोई रास्ता निकले, जैसे भी जो भी चीजें हैं। पर एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, कानून अपना काम, पुलिस अपना काम कर रही थी, कानून अपने तरीके से काम करता, नरेंद्र पे मेरा विश्वास है। और पहलवान भी कहते हैं और सभी बोलते हैं, पूरा देश बोलता है, हिंदुस्तान जो भी हमारे संविधान को मानता है, इस संविधान पे हमें चलना होगा, और संविधान का जो भी नया लगा फैसला वो जो भी होगा मंजूर होगा। पर वो इतनी जल्दी फैसला नहीं हो सकता कि भाई आप 10 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर सब कुछ, फास्ट ट्रैक में भी 3 महीने 6 महीने लगते हैं। और अभी तो इसमें कोई ऐसा हुआ नहीं, तो पुलिस ने भी दायर नहीं की है, वो शायद 15 से पहले वो करेगी, गवाही होगी, उसकी भी एक प्रक्रिया चलेगी, पूरी कानून प्रक्रिया वो चलेगी। तो इतनी जल्दी नहीं है कि 9 सितंबर में उससे पहले किसी को सजा हो जाएगा, कोई निर्दोष साबित हो जाएगा, वो चीजें भी नहीं होंगी, उसमें टाइम लगेगा। तो मेरा मानना है कि पहलवान लोग एशियन गेम्स खेल रहे हैं तो उसकी तैयारी करें, अगर नहीं खेल रहा है तो उनकी मर्जी है। एक और चीज योगेश्वर जी, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था जो नाबालिग महिला पहलवान है, उसके पिता ने कहा कि मैंने बदला लेने के लिए ब्रजभूषण के खिलाफ झूठा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। योगेश्वर जी, आपको लगता है कि इस तरह की कई और चीजें भी हो सकती हैं, क्योंकि अब जो नाबालिग वाला एंगल है वो कहीं ना कहीं जो मुकदमा है पॉक्सो वो वीक होता हुआ, कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, और मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मेरे को ये जानकारी मिली है कि भाई जो नाबालिग पहलवान के पिताजी ने अपना मतलब अपने बयान बदले हैं कि भाई वो बदले की भावना से हमने वो लगाए थे, और इसमें बहुत सी चीजें निकल जाएंगी। अभी जहां तक मेरा मानना है यौन शोषण के आरोप से भी अलग काफी कुछ चीजें निकल जाएंगी, किसी पीछे कौन और किसी के लड़के के साथ, किसी बहन के साथ गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जिसने भी कुछ गलत किया तो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उससे अलग भी इसकी जांच होनी चाहिए कि भाई इतने पूरे देश में और दुनिया में जो खेल का कुश्ती का नाम खराब हुआ है उसके जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं, और जो भी लोग उसके जिम्मेदार हैं, चाहे कोई भी हो, उसमें चाहे फेडरेशन के अधिकारी हो, चाहे कोई हो, तो उसको सजा मिलनी चाहिए।
खिलाड़ियों के कंधे में बंदूक रख के चलाई गई है, जिसको पहलवानों को नहीं पता लगा कि वो कब कहां पहुंचा दिए उनको। एक और बात से उनको बिल्कुल उनको मैच के ऊपर से प्रैक्टिस है और जंतर मंतर तक और संसद के घेराव तक संसद की तरफ उनको कूच करवाया है, तो किसने कूच करवाया है? इसके पीछे एक षड्यंत्र हो सकता है। भरपूर कोशिश कर रही है हमें तोड़ने की, लेकिन जो हमारा जो आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, वो लगातार जारी है और पूरे देश के चाहे वो कोई भी संगठन है, किसान है, मजदूर है, महिला है, जितने भी संगठन है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए 15 तारीख तक हम सरकार से बात कर रहे हैं और 15 तारीख तक देखते हैं कि क्या होता है। अगर 15 के बाद अगर कुछ नहीं होता तो हम बड़ी आंदोलन हम भी करेंगे। देखिए हम भरोसा करके चल रहे हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है 15 के बाद। अच्छा, वो एक नाबालिग, देखिए जो नाबालिग लड़की है उसके मीडिया ने ये तो दिखा दिया भाई वो पीछे हट गई, लेकिन ये नहीं दिखा कि किस वजह से वो पीछे हट गई, उसके ऊपर कितना प्रेशर दिया गया है, उसके फैमिली पे कितना प्रेशर दिया गया है। उसके फादर ने खुद बोला कि भाई हम डिप्रेशन में हैं, हमारे को तोड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मीडिया ने वो चीज़ें भी दिखानी चाहिए थी। आपके ऊपर भी अभी भी दबाव है? देखिए मैं हम मेरे ऊपर तो इतना नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो डरे हुए हैं, जो 7 लड़कियाँ वो डरी हुई हैं। क्या एविडेंस चाहिए? गवाह अभी सामने आ रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि हमने देखा है, लड़कियां बोल रही हैं, और क्या चाहिए? ब्रजभूषण से किसी ने पूछा है कि आपके पास क्या सबूत है आपने नहीं किया है? वो 15 के बाद पता चल जाएगा आप लोगों। धन्यवाद। All right, it seems that the farmers' protest is being politicized from what it appears with those wrestlers who've now joined the farmers' protest, where the farmers are raking up issues including power utility as well as the MSP matter. Yogeshwar, that they're saying that the wrestlers are distracted, and this is